अस्सलाम वालेकुम। आज हम रोस्टेड मटन लेग बना रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। मटन लेग बनाने के लिए हमने मटन लेग का एक पीस लिया है। इसके दरमियान में ये इस तरह होल बना लेंगे। ताकि जितनी भी मैरिनेशन है इसके अंदर चली जाए। मटन लेग में छुरी की मदद से होल बना लिए हैं। अब इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन तैयार करने के लिए हमने ज़ाफ़रान लिया है। इसमें आधा कप गर्म पानी डाल देंगे। इसको एक साइड पे रखेंगे। अब एक बोल लेंगे, इसमें एक चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, एक चाय का चम्मच या हसबे ज़रूरत नमक, एक चाय का चम्मच अदरक का पाउडर, एक चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, एक खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन, दो खाने के चम्मच ऑयल, एक खाने का चम्मच मक्खन और ज़ाफ़रान वाला पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको मटन लेग पर लगा देंगे। ये सारा मिक्सचर इस पर डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। सारी मैरिनेशन को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मटन पर लगा लें। मटन में पूरी मैरिनेशन को अच्छी तरह से लगा दिया है। अब इसको कवर करके कुछ घंटों के लिए मैरिनेट कर देंगे। अब एक बेकिंग ट्रे लेंगे, इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे, जिसमें है कटी हुई प्याज, कटी हुई गाजर और कटे हुए आलू। आलू को हमने छिलकों समेत काट लिया है।
सब्जियों को हमने ट्रे पे लगा दिया है। अब इन पर मैरिनेट की हुई मटन लेग रख देंगे। अब इन पर मैरिनेट की हुई मटन लेग रख देंगे। और बाकी बचा हुआ मैरिनेशन सब्जी पर डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इन पर एक खाने का चम्मच ऑयल डाल देंगे। और इसको बटर पेपर के साथ कवर कर लेंगे। और ऊपर एल्युमिनियम लगा देंगे। एल्युमिनियम फॉइल के साथ इसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। मैरिनेट की हुई मटन लेग को बटर पेपर और एल्युमिनियम फॉइल के साथ अच्छी तरह से कवर कर दिया है। अब इसको फ्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे तक ओवन में बेक कर लेंगे। 2 खाने के चम्मच पिघले हुए मक्खन में हमने बादाम डाल दिए हैं, जिनका गर्म पानी में डालकर छिलका उतार लिया था। इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये ऊपर हम डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। बादाम फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे। 2 घंटे के बाद मटन को ओवन से निकाल लिया है। दो घंटे के बाद मटन को ओवन से निकाल लिया है। अब इसको दोबारा 20 मिनट के लिए ओवन में बेक कर लेंगे। मटन लेग को ओवन से निकाल लिया है, अब इसको सर्व करेंगे। अब इस पर मटन लेग रख देंगे। और बाकी बची हुई सॉस को एक पैन में डाल लेंगे।
अब इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। सॉस को ब्लेंड कर लिया है, अब इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे। सॉस तैयार है, अब इसको सर्व करेंगे। अब इस पर गार्निश के लिए बादाम डाल देंगे। रोस्टेड मटन लेग तैयार है, ये अच्छी तरह से गल गई है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपकी मटन रोस्ट लेग कैसी बनी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।